रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीहू एक बहुत ही खूबसूरत पर तेज तर्रार किस्म की लड़की थी। वो अपनी माँ सुनंदा और पिता जोगिंदर के साथ जयपुर शहर के एक छोटे से कस्बे में रहती थी, लेकिन उसके माँ बाप उसकी मुल्तानी मिट्टी खाने वाली बुरी आदत से बेहद परेशान थे। उसे बचपन से ही मिट्टी खाने की आदत पड़ गई थी और इसकी वजह से कभी कभी उसको पेट में बहुत जोरों का दर्द भी होता था, लेकिन उसने मिट्टी खाना बंद नहीं किया। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पीहू की शादी राज नाम के लड़के से हो जाती है। पीहू अपनी मिट्टी खाने वाली बात अपने ससुराल में किसी को नहीं बताती और वो छुप छुप कर मुल्तानी मिट्टी खाती ही रहती है। एक दिन पीहू रसोई में काम करते करते मिट्टी खा रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है तो वो उससे कुछ छुप कर खाते हुए देख लेती है और उससे कहती है, अरे पीहू, ये तू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर तू ये बता, तू छुप छुप के कुछ खा रही थी ना? नहीं मम्मी जी, मैं कुछ नहीं खा रही थी। नहीं नहीं, मैंने देखा था, तू जरूर कुछ खा ही रही थी। मेरी आंखें बहुत तेज हैं। क्या मम्मी जी, आप भी ना कुछ भी कहती रहती है। खैर आप ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आप कमरे में जाइए तब तक। पीहू ऐसा कहकर अपनी सास को उसके कमरे में भेज देती है और फिर उसके लिए खाना लेकर जाती है और वापस आते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ मम्मी जी ने ठीक से कुछ नहीं देखा, वरना आज तो पीहू तेरी पोल ही खुल जाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पीहू की ये मुल्तानी मिट्टी खाने वाली आदत के बारे में घर में किसी को भनक तक नहीं लगती। और एक दिन पीहू के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर मीना राज को फोन करके बुला लेती है और फिर वो दोनों पीहू को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर पीहू का चेकअप करते हैं और कुछ टेस्ट भी करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स को पता चलता है, मिस्टर राज, आपकी वाइफ के पेट में मिट्टी जमा हो रखी है, आपको इसके बारे में कुछ खबर है या नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मिट्टी, और वो भी मेरी बीवी के पेट में? जी हाँ, वो भी मुल्तानी मिट्टी, जो कि इनके पेट में बहुत बुरी तरह से जम गई है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में और ना ही इसने कभी इस बात का जिक्र किया मेरे आगे। माँ, क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, पर एक दिन मैंने उसे छुप छुप कर कुछ खाते हुए जरूर देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि तू क्या खा रही थी, तो उसने ऐसे ही बहाने बनाकर बात को टाल दिया और मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, पर हाँ, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए थी। कुछ समय के लिए डॉक्टर पीहू को दवाई देकर डिस्चार्ज कर देते हैं और राज से कहते हैं, राज, आपको अपनी वाइफ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा, उन्हें बचा पाना हमारे बस में नहीं होगा, नहीं तो एक बात और, उन्हें मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल ना खाने दें, अब उन्होंने हल्की सी भी मिट्टी खाई तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। फिर राज और मीना पीहू को लेकर घर आ जाते हैं। राज और मीना पीहू को समझाते हैं, बेटा देख, अब तू बिल्कुल भी मुल्तानी मिट्टी मत खाइयो, तुझे पता है ना कि हम कितना डर गए थे। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तुम सिर्फ वही खाओगी जो माँ तुम्हारे लिए बनाएगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, क्या तुमने कभी ये सोचा है? ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी मिट्टी नहीं खाऊंगी। फिर कुछ दिन अच्छे से बीत जाते हैं और अब पीहू मिट्टी भी नहीं खाती। कुछ टाइम बाद पीहू प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में चारों तरफ खुशियों का समा बन जाता है। अब मीना उसका और भी ज्यादा ध्यान रखती है और राज भी उसको खुश रखता है। सब अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन पीहू ऐसे ही बरामदे में बैठी होती है तो उसे सामने
सड़क पर एक आदमी दिखता है जो कि मुल्तानी मिट्टी से बने खिलौने बेच रहा था। उसे देखकर पीहू का मन मचल जाता है और वो फिर उससे 2-3 खिलौने ले ही लेती है और फिर क्या, वो उन्हें पानी में भिगो भिगो कर खाने लगती है। वो ये बात बिल्कुल भूल ही जाती है कि अब वो अकेली नहीं है, मिट्टी खाने वाली उसके अंदर उसका बच्चा भी है। उसको फिर से मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है। ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं और उसकी डिलीवरी का टाइम भी करीब आ जाता है। एक दिन फिर से उसको बहुत जोर से पेट में दर्द होता है। मीना को लगता है कि उसको लेबर पेन हो रहा है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर डॉक्टर राज को बुलाने के लिए कहते हैं। राज हॉस्पिटल में आता है। मिस्टर राज, मैंने आपको क्या कहा था? आपको मेरी बात समझ आई भी थी या नहीं? क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी वाइफ को लेबर पेन नहीं बल्कि मिट्टी खाने की वजह से उसके पेट में दर्द हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, पीहू ने तो मिट्टी खाना बंद कर दी थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने आपसे छुपकर मिट्टी खाई है क्योंकि उनके पेट में अब और भी ज्यादा मिट्टी जमा हो गई है और मुझे डर है कि कहीं बच्चे के पेट में भी मिट्टी ना जमा हो। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मुझे मेरी बीवी और बच्चे दोनों से बहुत प्यार है, उन्हें बचा लीजिए प्लीज। हमें उनका ऑपरेशन करना होगा और उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे कि आपकी बीवी को बचाया जा सकता है या आपके बच्चे को। डॉक्टर्स पीहू का ऑपरेशन करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसके बच्चे के पेट और फेफड़े में भी मुल्तानी मिट्टी जमा हो गई है जिसकी वजह से उसके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो पेट में ही मर गया। अब डॉक्टर ये बात राज और मीना को बताते हैं। सॉरी मिस्टर राज, हमें आपके बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मिट्टी उसके फेफड़ों में जमा हो गई थी इसीलिए उसे सांस नहीं मिल पाई और वो ज्यादा देर लड़ नहीं पाया। अब आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया? पीहू, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मेरे बेटे, शांत हो जा, हमारी किस्मत में ये ही लिखा था। अब मीना पीहू को गुस्से में बोलती है। अरे अरे डायन, अब तो खुश है ना तू? क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही है? और मेरा बच्चा कहाँ है? अरे अरे कौन सा बच्चा, उसे तो तू निकल गई टंकनी। मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? फिर वो डॉक्टर आते हैं और पीहू को सब कुछ बताते हैं कि कैसे उसकी मुल्तानी मिट्टी खाने वाली आदत ने उसके मासूम बच्चे को उससे दूर कर दिया। और उनकी बातें सुनकर पीहू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो आत्मग्लानी की अग्नि में जलने लगती है। फिर वो राज और मीना से वादा करते हुए कहती है। माँ जी, राज जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूँ। प्लीज माँ जी, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं कभी भी जिंदगी में मुल्तानी मिट्टी नहीं खाऊंगी। उसे तड़पता हुआ देखकर मीना और राज दोनों ही उसे एक और मौका देते हैं और उसे माफ कर देते हैं। और कुछ समय बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और फिर सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।